हेलो दोस्तों, मैं चुवंजा साला को स्वागत करता हूँ हेल्प एंड टिप्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज 14 फरवरी को जियो ने अपने यूज़र्स के लिए एक अच्छा सरप्राइज़ दिया है। जियो फोन यूज़र्स को अब मिल चुका है एक अपडेट, जिसमें जो जियो स्टोरेज में एक और आपको ऐप देखने को मिलेगा, और ये ऐप मिलेगा आपको फेसबुक का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे फेसबुक के ऐप का, तो जियो स्टोर में जाके पहले से इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल हो चुका है, और बेसिकली दोस्तों क्योंकि ये काई ओएस पे रन करता है जियो फोन, तो इस पर जो HTML5 बेस जो बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वैसा ही एप्लीकेशन ये भी फेसबुक ने भी यहाँ पर ऑफर किया है हम लोगों को। कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको लॉगिन का। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया अपने फेसबुक अकाउंट में, और कुछ जो वेब वर्जन मोबाइल जो वेबसाइट है, आपने फेसबुक की मोबाइल साइट खोली होगी, सो उसी को यहाँ पर दिया गया है। कुछ ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन नहीं किया गया है, मतलब KaiOS के लिए, बेसिकली KaiOS को देखते हुए इन्होंने डेवलप नहीं किया है, क्योंकि KaiOS में आप अगर अपना आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के जस्ट लाइक HTML5 जैसे, क्योंकि HTML5 के आ जाने से ये हुआ है कि आप उसी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करके एक ऐप बना सकते हो, तो ये एक नॉर्मल सा ऐप बना दिया गया है। सो अभी तो बेसिकली यही किया गया है, और आपको जो मोबाइल साइट होती है फेसबुक की, उसी की जैसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोस्तों। तो एक ये चीज़ अच्छी रहेगी कि डायरेक्टली आपको बार बार ब्राउज़र में नहीं जाना है। अगर आप जियो फ़ोन से ही अपनी जो आईडी है ओपन करते थे फेसबुक की आईडी, तो आपको बार बार आप ब्राउज़र में नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली एक ऐप मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने पेज को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो मेरा शुभलॉजी का पेज है ऑफिशियल फेसबुक पे। तो आने वाले टाइम में देखिए दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ये KaiOS को देखते हुए भी एक ऐप लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च क्या करेंगे, अब इसे डेवलप करेंगे। तो आपने देखा होगा कि नोकिया का जो S30 आता था सेम्बियन करके, तो उसमें एक स्पेसिफिक इन्होंने ऐप बनाया था, तो हो सकता है कि उस तरह का भी ऐप इसमें आपको देखने को मिल जाए। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो फेसबुक को बहुत ज़्यादा जियो पे मिस करते थे, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप को लेकर बहुत चिंतित थे उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अब फेसबुक जब आ चुका है ऐप, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप भी ऐप दिखने को मिल जाए। देखिए मेन्यू में दोस्तों इस तरह से फेसबुक का ऐप आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फेसबुक यूज़र्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे फेसबुक को, और फ्यूचर में हमें अब व्हाट्सएप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जब फेसबुक आ गया है सो व्हाट्सएप भी आ सकता है, बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है हमें। मुझे लगता है कि एंड ऑफ द फरवरी या मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों ये है कि आपको ये फेसबुक का ऐप कैसे अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कि आप ब्राउज़र से जो जियो का ब्राउज़र था उसके थ्रू ब्राउज करना ज़्यादा अच्छा लगता था आपको फेसबुक। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।